उज्जैन में दुकानदार युवती के बातों मुलझाकर बदमाश 30,000 का कैश गल्ले से निकाल ले गए। बाइक से आए दो बदमाशों ने यह वारदात की। घटना खाचरोद थाना इलाके के घिनौत की है। मंगलवार दोपहर में हुई इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। थाना प्रभारी रविंदर यादव ने बताया कि खाचरोद तहसील में 5 किलोमीटर दूर ग्राम घिनौदा में राजेश पटीधार की सीमेंट सरिये की दुकान है। दोपहर 1:30 बजे व्यापारी की बेटी दुकान पर बैठी थी, तभी दो बदमाश बाइक से दुकान पर पहुंचे। उन्होंने करीब 2,000 रुपये का सामान खरीदा। इसी दौरान उन्होंने गल्ले में रखी नोटों की गड्डी देख ली। फिर उन्होंने युवती को बातों में उलझाकर कुछ सामान मंगवाया और उसका रेट पूछा। युवती अपने पिता से रेट पूछने गई, इतने में एक बदमाश ने गल्ले से कैश चुरा लिया। बता दें कि व्यापारी का घर और दुकान एक ही बिल्डिंग में है। चोरी की यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में दो बदमाश बाइक से आते और जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान पिंक कलर की शर्ट पहने एक बदमाश युवती को बातों में उलझाता है। व्यापारी की बेटी जैसे ही गल्ला बंद कर घर में अंदर जाती है, एक बंदा बड़ी तेजी से गल्ले से रुपये निकाल लेता है।